नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आई एम 24 न्यूज़। दोस्तों, 25 वर्षीय महिला पूजा की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है जो कि ये अपने पति के साथ और एक और व्यक्ति, एक पड़ोसी के साथ जो है बाइक पर आती हैं और आते हुए जो है बताया जा रहा है एक ट्रक चालक जो है वो टक्कर मारता है, जिसके बाद ये महिला जो है मौके पर ही जो है दम तोड़ देती हैं। आप देख सकते हैं उनके तस्वीरों में जो उनके देवर इस समय बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि किसी का हाल पूछने के लिए ये अस्पताल जो है वो जा रहे थे। उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ये हादसा कितने बजे हुआ और कब हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार है। यह हादसा जी कल 2:30 बजे का है। गांव में से 2 बजे निकल के चले हैं ये। कौन से गांव से? शेरमऊ से। ये कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ेगा जी, यूपी गंगू के पास। करनाल की तरफ आ रहे थे? करनाल आ रहे थे, रिश्तेदार को देखने के लिए अपने। ठीक है। वो रास्ते में इनके साथ में हादसा हुआ। अच्छा, हादसा हुआ जी। तो जो ट्रक वाला था वो कोई पकड़े नहीं, उसका कोई सुराग नहीं अभी तक पकड़ा नहीं गया ट्रक वाला। तो पुलिस वगैरह मौके पर आई थी, मतलब मौके पर इनकी डेथ हो गई थी या अस्पताल लेकर? मौके पर ही होगी डेथ इनकी। मौके पर डेथ? मौके पर ही होगी। कहाँ चोटें आई इनको? चोटें इनके जी एक तो बाजू में है, बाजू है नहीं, जब गाड़ी उतर गई ऊपर ने फिर क्या, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, उनके चोट ज़्यादा लग गई उनके। तो आपको बता दें कि उनके और भी अन्य परिजन यहाँ पर हैं। जी, आप क्या लगते हैं इनके रिश्ते में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ है जी, मैं उनका भाई लगता हूँ। आप उनके भाई लगते हैं? हाँ जी। तो आपको कब पता लगा ऐसे ऐसे हादसा होगा? मुझे तो रात करीबन 9:30 के करीब पता लगा जी। अच्छा। हाँ, मेरे मामा ने मेरे पर फोन कराया जी, उसके बाद में पता लगा जी। आप भी यूपी रहते हैं? नहीं, मैं जुंडला रहता हूँ। अच्छा, आप जुंडला रहते हैं? हाँ जी। तो बता रहे हैं कि हाल पूछने के लिए आ रहे थे अस्पताल में किसी अपने रिश्तेदार से? यहाँ से वो उसकी बुआ के लड़के की जो टांग कट गई थी जी, उसका हाल जानने के लिए आ रहे थे जी। हाल जानने के लिए आ रहे थे? हाँ जी। ठीक है। उसे देखने के लिए आ रहे थे जी, रास्ते में हादसा हो गया जी। हाँ जी। तो उसकी पूजा की मौके पे मौत होगी, बाकी उसके घर वाले के और जो दूसरी जनानी है उनका चोट तो जरूर आ रही, बाकी वैसे वो ठीक है जी। अच्छा, साथ में जो है एक उनके पति थे और कोई महिला थी साथ में? महिला थी जी, पड़ोसन थी। पड़ोसन? हाँ जी। ठीक है, उनको भी चोटें आई? हाँ, चोट तो जरूर आई जी, बाकी वैसे वो ठीक है जी। उनका बचाव हो गया, इनके ऊपर बता रहे हैं ट्रक चढ़ गया। हाँ, इनके एक साइड में मतलब पहिया उतर के जा रहा जी, इनकी तो मौके पे ही मौत हो गई जी। मौके पे ही मौत हो गई। हाँ, बता रहे हैं दो गुड़िया हैं इनके पास, दो बच्चे हैं, दो लड़की हैं जी इनके पास में। दो लड़कियाँ? हाँ जी, एक करीबन 6-7 साल की और एक 8-8.5 साल की है। तो जो ट्रक चालक था उसे कोई रोका नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया, कोई नंबर नोट हुआ उस? अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा जी, बाकी नहीं ये भी तो जो है कैमरे कुमरे की जाँच कर रहे जी। तो किस मोड़ पर हुआ है, या तो हुआ किस रास्ते में हुआ? ये नेवल हुआ जी, नेवल के आसपास में। नेवल के आसपास? हाँ जी। तो पुलिस में जो है वो FIR दर्ज करवाई? हाँ, FIR दर्ज करवा दी जी। हाँ जी। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। एक महिला जो है जिसका नाम पूजा है, वो अपने पति के साथ आ रही थी यूपी की तरफ से, करनाल की तरफ, अपने ही एक परिजन का हाल पूछने के लिए अस्पताल जा रही थी, लेकिन जाते हुए बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और जिसमें ट्रक वाला जो है वो किस तरीके से आते हुए टक्कर मारता है और ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि हादसा किस तरीके से हुआ ये तो पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, लेकिन उस हादसे में ट्रक जो है उनकी एक साइड पर जो है चढ़ जाता है, बाजू पर चढ़ जाता है, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस समय हम कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में खड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा मर्चरी हाउस की, सामने की ओर, यहीं पर जो शव जो है वो लाया गया है और उसके बाद जो है शव जो पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। हालाँकि जो ट्रक चालक है उसे कोई ऐसी जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है कि वो पकड़ा गया है या उसका नंबर नोट हुआ है, क्योंकि इन्हीं तरीकों से ये पता चल सकता है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, और लगातार जो है ऐसे सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है और जो यूपी की तरफ से आने वाला जो रास्ता है वहां पर लगातार ऐसे हादसे जो हैं वो देखने को जरूर मिलते हैं। इसलिए सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी रफ्तार पर जरूर काबू पाएं, क्योंकि आपकी तेज रफ्तार या गलत ड्राइविंग जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा जो है हादसा जो है उस हादसे को न्योता ज़रूर देती है। हालांकि परिवार में दो बच्चियां थी, शादी को 10 साल हो चुके थे और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसमें दो लोग भी, उसके साथ में एक महिला और एक उनके पति जो है वो घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी रफ्तार पर काबू पाएँ, धीरे चलाएं, क्योंकि आपकी गलती से सीधा आपकी जान भी जा सकती है, आपकी और दूसरों की भी जान जा सकती है, या आपकी वजह से किसी और की जान भी जा सकती है। हालांकि जो पूजा है 25 वर्ष की उम्र के अंदर ही इतना बड़ा जो है ये हादसा हुआ है, और फिलहाल हम यही चाहते हैं कि परिवार को जो है इस दुख को सहने की शक्ति मिले, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है उनकी जो दो बच्चियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। तो आप सभी से निवेदन है
सड़क पर चलें, ध्यान से चलें, लगातार सड़क हादसे बढ़ते हुए रोज आपको दिखाते हैं। करनाल के कल्पना चावला मर्सी हाउस से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपसे पहले वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।